बार बार हम शासन प्रशासन को सूचित कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक हमारी निजी जमीनों पे कब्जा नहीं हटा। और आप देख रहे होंगे अभी ये जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मैं शासन प्रशासन को निवेदन करता हूँ कि पलासू में, हेड़सू में, लखवाड़ में, हटाल में, जहाँ जहाँ भी वन गुज्जर रह रहे हैं और जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिनके नाम अवैध रूप से जमीन नाम लगी है, इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। और जिस प्रकार से दोबारा कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसको हनोल ले जाया जाता है हमारे पवित्र धाम में, इसको तत्काल प्रभाव से वन विभाग भी रोके, अन्यथा जन आंदोलन होगा। हम शासन प्रशासन को कह देना चाहते हैं कि कई महीनों से हम आंदोलन रहते हैं, कई महीनों से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप ये कब्जे जरूर हटाएंगे। धनराज में 30 परिवारों ने, कम से कम 27 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अवैध तरीके से मकान गलत बनाए हैं, या जमीन हमारी निजी जमीन है या हमारी सामाजिक भूमि है। तत्काल प्रभाव से 1967 के बाद बसे हुए जो यहाँ पे लोग हैं और जिनके नाम जमीन गलत तरीके से नाम लगी है, इसको निरस्त किया जाए। बंदोबस्त में जौनसरों के नाम जमीन लगनी थी, लेकिन गेटिंग सेटिंग से करीब जो है 800 से 1000 बीघा जमीन वन गुजरों के नाम और अवैध रूप से नाम लगी है, गैर जौनसरों के नाम लगी है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम तहसील आए हैं, तत्काल प्रभाव से शासन प्रशासन इसको, हमारे कब्जों को हटवाने का काम करें तथा जो जमीन है वो किसानों को वापस लौटाने का काम करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आवाज दो, आवाज।